प्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और अभी सुबह का जो टाइम हो रहा है वो 6 बज रहे हैं तकरीबन। प्रद्युमन जी, शुभ प्रभात। सो ये आसपास का व्यू है, पहाड़ कुछ इस तरह के हैं। इधर व्यवस्था तो पूरी की गई है, ये सामने वाला पहाड़ और चील के पेड़ है, बहुत अच्छे। आप कहाँ बोलते थे जाने के लिए? जी जी। और ये क्या चीज़ है प्रद्युमन जी? यज्ञशाला है, यहाँ पर यज्ञ होता है। जी 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 जी। रात को ठंड बहुत हो गई थी तो ये है यज्ञशाला, यहाँ पर यज्ञ होता है, हर दिन यज्ञ होता है यहाँ पर। जी 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 जी। सो 6 बजे हम उठे थे तो अभी 7 बज चुके हैं और बरसात के कारण एक्चुअली यहाँ पर अभी आता जाता कोई नहीं है, तो साफ सफाई खुद ही करनी पड़ती है। इधर प्रद्युमन जी लग पड़े हैं साफ सफाई करने। तो एक ये है, यहाँ से ऊपर से देखते हैं। सो लोगों के घर कुछ इस तरह के हैं इधर। और ये थोड़ी थोड़ी सूरज की लालिमा, और कहीं जो ये आपको दिख रहा है बादल, कहीं यहाँ पर है सोलन। और यहाँ से बिल्कुल हम हाइट पर आए हैं। ये है राजगढ़, राजगढ़ से भी 7-8 किलोमीटर आगे हैं जो ये वाली जगह है। ये जो मार्केट है ये राजगढ़ वाली साइड है। पानी की जो व्यवस्था है वो भी अच्छी करी गई है, देख सकते हैं 4 टैंकियाँ इस तरफ हैं। और जो रूम है वो भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, जो रहने ठहरने का स्थान है। ये बाहर का एरिया है, यहाँ पर आप योगा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और ये अंदर है, ये हॉल है कुछ, इसके अंदर भी मेडिटेशन या कुछ प्रोग्राम जो हैं यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। इतनी ठंड की रात को अभी धूप निकली है तो थोड़ा सा धूप निकलने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सो कुछ इस तरह की ये प्रॉपर्टी है। ये है वॉशरूम, और कुछ रूम ये हैं इधर, हम इस साइड सोए थे, और कुछ रूम ये हैं। कुछ रूम ये है लेकिन बंद है अभी। आगे वाली साइड देखते हैं। सो इस तरह के रास्ते बनाए हैं नीचे जाने के लिए, इसके नीचे भी कुछ है बनाया हुआ है। तो इस साइड भी पानी की टंकियां लगाई हैं दो। सो कुछ इस तरह का रूम था जो आश्रम में हमें मिला हुआ था, हम यहाँ पर ही सोए हुए थे। 4 लोगों के सोने की व्यवस्था है यहाँ पर, और ठंड बहुत थी तो मैंने 2 कंबल लिए हुए थे सोने के लिए, और यहाँ पर मैं सोया हुआ था। यहाँ पर प्रद्युमन जी सोए हुए थे, एक साथ में अलमारी दी हुई है हमें, और ये फ़ैन है। गर्मियों में अगर आप आते हैं तो फ़ैन की व्यवस्था भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी, क्योंकि अभी जब मैं आया हूँ तो बहुत ठंड है, रात को मेरी तबीयत भी खराब हुई थी। तो इस तरह से है कुछ रूम जिसमें हम रुके हुए थे, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है, इस तरह का है यहाँ का आसपास। ऊंचे ऊंचे चील के पेड़ लगे हुए हैं जो कि हिमाचल में आपको
हर जगह ही दिख जाएंगे। सड़क से व्यू कुछ इस तरह से है क्योंकि आश्रम वहाँ ऊपर है, वहाँ से ट्रैक करके मैं नीचे आ गया हूँ। और कुछ सामान था जो कि गाड़ी में रखना था, बट चाबी प्रद्युमन जी ऊपरी भूल गए तो वो दोबारा गए हैं। और ये सड़क के साथ ही इन्होंने एक सत्य सनातन पावन वेद मंदिर नाम से कुछ जगह बनाई हुई है। मेन जो गुरुकुल आश्रम है वो ऊपर है, वहाँ तक ट्रैक करके जाना पड़ता है। रास्ता बनाया है बट बारिश हुई थी तो उस कारण से गाड़ी वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही है। सो ये है सड़क के नीचे का स्थान और ये गाड़ी है। और सामान देखिए भारी पड़ा है क्योंकि चाबी लेने वो गया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, सूरज भी निकल आया, मौसम बहुत सुहाना है, खुला आसमान है। एडवाइस मेरी यही है कि अगर आप कभी भी प्लेन एरिए से हिली एरिया में आते हैं तो कम से कम एक दो गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखिए, क्योंकि रात को एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाता है इन जगहों पे। और रात को मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी, बट यहाँ पर ठहरने का पूरा प्रबंध था तो मुझे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। सो जिस आश्रम में हम आए थे वो ये है, वेद विद्या गुरुकुल। उद्गीत साधना स्थली गीतांजलि। और ये आश्रम का डोगी, और ये हमारे साथ ही है, जब से हम आए हैं तब से हमारे साथ ही घूम रहा है ये। चल रोकी, आ जाओ, चलो 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 आ जा रोकी, चलो आ जाओ कम। सो ये है पूरा रास्ता। लाइक कुछ इस तरह से बनाया हुआ है इधर, ये बेंच बनाए हैं जब गुरुकुल में बच्चे आते हैं तब। पहले कोरोना से पहले तो यहाँ पर काफ़ी समागम हुआ करते थे, बट कोरोना के बाद जो कार्यक्रम है वो बंद कर दिए हैं इस आश्रम में गुरुकुल में। ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से भी है रास्ता ऊपर जाने के लिए। तो कुछ ना कुछ हर जगह पे बना हुआ है। और ये देखिए स्टैंड कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं, रेडी हो गए हम लोग और निकल रहे हैं अब यहाँ से। प्रतिमा जी आपकी, आश्रम में मेरी जो हेल्थ थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिस कारण से मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया था आते वक्त की। तो हम चंडीगढ़ के लिए सुबह 11:30 बजे आश्रम गुरुकुल से रवाना हो गए थे। सो जो भी मैंने आगे वीडियो शूट करी है वो मैंने आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर दी है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं, अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन वीडियो को जो भी मैं डाल रहा हूँ प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और प्लीज़ आपका सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मैं मीन्स की और ज़्यादा वीडियोज़ में बना सकता हूँ। सो बने रहिए मेरे इस न्यू चैनल के साथ जिसका नाम है पंकु लाइव ब्लॉग्स। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही, सुरक्षित और खुश रहेंगे। सो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली एडवांस। दशहरा भी आने वाला है 5 तारीख को, तो हैप्पी दशहरा आप सभी लोगों को। और जहाँ पर भी रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान आपको हमेशा खुश रखें। सो देखते रहें पंकु लाइव ब्लॉग्स। सो जब तक कोई नई वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए आप सब से अलविदा, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।